नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस मिरेकल्स ऑफ डाउजिंग कोर्स के अंदर। मेरी कोशिश है कि हम लोग थोड़ा डेमोक्रेसी में बिलीव करें, यानी कुछ मैं बोलूं और हर रोज कुछ आप भी बोलें। कुछ प्रश्न हमेशा ऐसे होते हैं जो बहुत रेलेवेंट होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो रेलेवेंट नहीं होते हैं, पर डेमोक्रेसी रखने से मेरा उद्देश्य यही है कि अगर हम कुछ बोलेंगे नहीं तो कई बार हम दूर रह जाते हैं उन चीजों से जो हम आराम से जान सकते हैं। ये जो डाउजिंग का जगत है ये बहुत आसान है, इसमें दिमाग का काम बहुत कम है। हालांकि मैं कुछ चीजें ऐसी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो आपके कॉन्शियस ब्रेन को सेटिस्फाई करेंगी कि क्या है, ऐसा क्यों होता है, इससे क्या क्या हम कर सकते हैं, और वो हम प्रैक्टिकली यहाँ पर करेंगे भी। लेकिन अगर बाई चांस कोई ऐसी चीज आई जो मैं ना समझा पाया या आपको समझ में ना आई, तो भी मैं ये बताना चाहता हूं कि इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। डाउजिंग की दुनिया के अंदर दिमाग का प्रयोग बहुत कम है, और वो आज शुरुआत में मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरी चीज जो है जरूरी है, इससे पहले कि हम शुरुआत करें, कुछ लोग अभी आ रहे हैं, वो ये कि ये डाउजर अगर मैं आपका देख पाऊं, हमारा देखिए वैसे वीडियो इंटरेक्शन बहुत जरूरी नहीं होता, पर इस कोर्स में बहुत जरूरी है। हाँ जी, बहुत अच्छे। तो अगर मैं देख पाऊंगा तो मैं बीच बीच में स्क्रीन चेंज करूंगा और बीच में हम टाइम लेंगे ताकि मैं देख पाऊं कि आप ये इससे डाउजिंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर एक बारी आपने मेरे साथ इजीली डाउजिंग कर ली तो फिर अरे आपको कोई नहीं रोक सकता। आधी जीत मैं समझता हूं मेरा लक्ष्य तब प्राप्त होगा, आधी जीत मेरी तभी हो जाएगी अगर आपने मेरे साथ ये थोड़ा थोड़ा कर लिया। वो कहते हैं गया है ना, बिल्कुल लेट द बॉल रोलिंग इज डिफिकल्ट, और एक बारी वो काम शुरुआत हो जाए फिर आसान हो जाता है। गया है ना। थोड़ा म्यूट कर लेंगे अगर आप लोग अपने आप को, फिलहाल बीच में जैसे आपका मन करे बोलने का तब आप अनम्यूट कर सकते हैं, तो उससे बाकी लोग भी आराम से सुन पाएंगे। ओके, तो मैं आप अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। देखिए ये इज माई स्क्रीन विजिबल, अगर विजिबल है तो थोड़ा सा सर हिला के हाँ कह दें। थैंक यू। ओके, सो आप सोच रहे होंगे कि ये कोर्स तो हमने ज्वाइन कर लिया, अब इसके अंदर कराया क्या जाएगा। तो हमारी ये जो मुलाकात है ये 7 दिन रहने वाली है। इसके अंदर मैं आज आपको थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा कि ये डाउजिंग किसको कहते हैं, ये क्या प्रोसेस है पूरा, इसके अंदर से हमें अपनी जिंदगी के अंदर क्या बेनिफिट मिल सकता है। कल मैं आपसे ये चर्चा करूंगा कि अगर हम कहीं पर हों और डाउजर हमारे पास नहीं भी है, या कई लोगों ने दीपक जी को मैसेज करके लिखा जो हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर है उनको, कि मेरे पास अभी तक डाउजर ये पेंडुलम नहीं पहुंचा, तो अगर पेंडुलम नहीं भी आया आपके पास तो आप मेक शिफ्ट पेंडुलम फटाफट से कैसे बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, ये भी मैं आपको कल सिखाऊंगा। इसके बाद हम जो आपने एक ब्रॉडकास्ट मैसेज देखा होगा जिसके अंदर आया था डज ही और शी लव मी, यानी रिलेशनशिप डाउजिंग डे नंबर 3 पर डिस्कस करेंगे। इस तरह की चीजें कि पति पत्नी के बीच में, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, भाइयों और बहनों या भाई भाई और बहन बहन के बीच में, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स अगर हो तो हमारा डाउजर उसमें कैसे सहायक सिद्ध हो सकता है और उसको सॉल्व या किस पर्सपेक्टिव से एक डाउजर देखता है उस पर चर्चा करेंगे। चौथे दिन हम हेल्थ डाउजिंग की बात करेंगे कि हमारे शरीर में व्याधि क्या है, कौन सी थेरेपी
हमारे को कौन सी थेरेपी ज़्यादा सूट करेगी, इन सारी चीज़ों पर और भी इसके बहुत अच्छे अच्छे आयाम हैं, वो हम चर्चा करेंगे। डे नंबर 5, कई बार कोई चीज़ गुम हो जाती है या व्यक्ति घर नहीं आया टाइम पर, सब ठीक तो है, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन टूट गई, कोई अफगानिस्तान में हमारा बैठा है वो ठीक तो है, हमारा बेटा फ्रांस में स्टडी करने गया था वहां पे वो 2 दिन से फोन नहीं उठा रहा, वो ठीक तो है, एक व्यक्ति कमेटी डाली हुई थी आपने, कमेटी डाली हुई व्यक्ति पता ही नहीं चल रहा भाग गया कहीं फरार हो गया, बार वो कहाँ चला गया, ये सब चीजें इनके ऊपर चर्चा मेरी रहेगी आपसे 5वें दिन। ओके बार पद्मिनी जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके सिक्स्थ डे पे हम एक छोटा सा एग्जाम रखेंगे, जिन लोगों को देना हो उनकी स्वेच्छा होगी वो दे सकते हैं, और 7वें दिन में आपको और कुछ डाउजिंग के पहलुओं से रूबरू कराऊंगा जो एडवांस डाउजिंग का विषय होगा। तो आइए बढ़ते हैं आज हम डाउजिंग की दुनिया में। डाउजिंग की दुनिया मतलब ऐसी दुनिया जो दृष्टिगोचर नहीं है, जो दिखती नहीं है, जो दिख जाती है उसके लिए डाउजिंग का कोई उपयोग नहीं। डाउजिंग बात करेंगे डाउजिंग की दुनिया में हम उन चीजों की जिनको आप देख नहीं पाते हैं। साइकोलॉजी के जगत के अंदर एक जब माइंड को स्टडी करा जाता है तो एक बड़ी अच्छी रिसर्च के बेस पे कहानी बताई जाती है, वो मैं आपके सामने अभी बता रहा हूं क्योंकि उसका डाउजिंग की दुनिया से लेना देना है। ये सामने जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको बोलते हैं आइसबर्ग, यानी हम अगर समुद्र में यात्रा करें तो रास्ते में एक बर्फ का पहाड़ कई बार आ जाता है, और शुरुआत में जो लोग शिप्स चलाते थे जब वो देखते थे इस तरह का पहाड़ आता है तो वो थोड़ा सा राइट लेफ्ट लेके जाने की कोशिश करते थे, सोचते ये थे कि ये जो दिख रहा है शायद पहाड़ उतना ही है, पर प्रॉब्लम ये है कि जो ये पहाड़ दिखता है, जो ये आइसबर्ग दिखता है, ये केवल 1/9 ही दिखता है, 8/9 हिस्सा जो इसका है वो दिख ही नहीं रहा जो नीचे है। हमारा दिमाग साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि बिल्कुल इस आइसबर्ग की तरह है, जो हम जानते हैं अपने बारे में, अपनी दुनिया के बारे में, हमारी जो स्मृतियां हैं अपने बारे में, अपनी दुनिया के बारे में। देखिए मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं लोगों को एडमिट करता रहूं, आज मैं कर रहा हूं कल से नहीं कर पाऊंगा, एक बार एडमिट करा 7 बजे, 7:30 बजे हमारी क्लास शुरू हुआ करेगी तो सबको पता है 7:30 बजे शुरू होगी, तो 7:30 से 8:30 आ जाए मेरे साथ क्लास अटेंड करें, नहीं कर पाए तो मेरी कोशिश है रिकॉर्ड करके साथ में वीडियो डालने की, फिर आप वीडियो देखें। तो जो स्मृतियां हमारे दिमाग में हमारे को हमारे बारे में पता है वो हम बोलते हैं कि दैट इज आवर कॉन्शियस माइंड, और वो बहुत कम है। हमारे को ही हमारे बारे में ही बहुत कुछ और पता है जिसको अगर मैं आपसे पूछूं तो आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर आपका रिग्रेशन सेशन करा जाए तो आप खुद ही अपनी जबानी बता देंगे, और इस पे बहुत रिसर्च पुलिस के अंदर हुई क्योंकि आई विटनेस टेस्टिमनी कई बार क्राइम्स के अंदर बहुत जरूरी हो जाती है। पूछा जाता है तुमने क्या देखा, किसने मर्डर करा, अब बताने वाले को याद ही नहीं, क्या आपको याद है कि आज सुबह आपने नाश्ते में क्या खाया था, अगर आज का याद भी है तो 10 दिन पहले आपने नाश्ते में क्या खाया था, बड़ा मुश्किल होता है याद करना। तो साइकोलॉजिस्ट के पास टेक्निक्स होती हैं, वो आपको रिग्रेस करके उस समय में लेके जाते हैं, और फिर आप बड़े अचरज की बात है वो डिटेल्स भी बता देते हैं, वो डिटेल्स भी आपको पता होती हैं जो आप अदरवाइज नहीं बता पा रहे होते, यानी जो आप जानते हैं कि मैं जानता हूं वो बहुत कम है और जो आप जानते होते हैं वो बहुत ज्यादा है। हमारी चेष्टा डाउजिंग के माध्यम से
उसको जानने की है। पहली बात, जो आप जानते ही नहीं कि आप जानते हैं, यानी आपके कुछ वो पहलू भी हैं, आपका कुछ सबकॉन्शियस ब्रेन भी है जो बहुत कुछ जानता है, हम उससे पूछने की कोशिश करते हैं और उन चीजों को भी जान लेते हैं डाउजिंग के माध्यम से। ये पहली चीज। सो डाउजिंग हमारे को एक एडिशनल दृष्टि देती है उन चीजों को जानने की, जो चीजें हम कॉन्शियसली नहीं जान पा रहे होते। ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरी बात, क्या हमारा जानना ही सब कुछ है? प्रश्न दोबारा एक किसी और शब्दों में देखें, क्या जो हम जान सकते हैं या जो जानते हैं यही सब कुछ है? किसी से पूछो ना तो हर एक बंदा अपने आप को बॉस समझता है, किंग समझता है, वो समझता है, नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वाज एज इंटेलिजेंट पर्सन बॉर्न बिफोर एज मी एंड नेवर इन द फ्यूचर अगेन इज दिस गोइंग टू हैपन। मुझे याद है आज से 10 साल पहले मैं माउंट आबू में जा रहा था, ब्रह्म कुमारी इसके यहाँ मेरा एक लेक्चर था, उनके यहाँ एक ऐसा ऑडिटोरियम है जहाँ पर 25,000 लोग बैठ के इकट्ठे लेक्चर सुन सकते हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई मैं ये विजिट करना चाहूंगा, आपका देखना चाहूंगा कि 25,000 लोग इकट्ठे बैठ के कहाँ पे लेक्चर सुनते हैं। उन्होंने मुझे वो विजिट कराई। जैसे मैं विजिट करके बाहर वापस दरवाजे पे आया तो एक स्वीपर दूसरे स्वीपर से कह रही थी कि तू जानती नहीं मैं कौन हूं। हर एक आदमी जब अपने आप को शीशे में देखता है, आदमी औरत, तो उसको अपना कद थोड़ा ऊंचा नजर आता है। लेकिन क्या अगर आप पूरी जिंदगी भी पढ़ते रहें, क्या अगर वो जो अभी पिछली स्लाइड पे मैंने बताया था आपको जो पता है आपके बारे में वो बहुत कम है कॉन्शियसली, जबकि आप जानते बहुत ज्यादा हैं, अगर वो भी पता लगा लिया जाए। मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए कि जब आप बच्चे थे, जो 3 साल के बाद बच्चे की मेमोरी निर्मित होती है, तो उससे पहले की घटनाएं भी आपको याद आ जाए, अगर उससे पहले पिछले जन्मों में आप क्या थे आपको वो भी याद आ जाए, अगर उससे पहले आप पहले जब कभी पेड़ थे या कोई एनिमल थे वो भी आपको याद आ जाए, ये सारी स्मृतियां भी जोड़ ली जाएं, तो भी क्या अब जो सब आपको पता है क्या वही कुछ दुनिया में है या फिर भी आपको बहुत कम पता है? तो नॉलेज का जगत, विद्या का जगत बहुत छोटा है। जितनी विद्या आपके पास है वो बस बहुत छोटी है, और दुनिया में जो कुछ है, जो समग्र है, वो बहुत ज्यादा है। हम अपनी पूरी एक जिंदगी, 2 जिंदगी, 10 जिंदगी, 20 जिंदगी भी लगाएं तो जितना कुछ उपलब्ध है ब्रह्मांड के अंदर सीखने के लिए, वो सीखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। हमारे को एक ऐसा तरीका चाहिए जिस तरीके से हम जब चाहें जो इन्फॉर्मेशन चाहें वो प्राप्त कर पाएं। जैसे आजकल ये समझना आसान है, पहले आप हर चीज, छोटी छोटी चीज याद करते थे, आज गूगल मैप्स है तो टैक्सी वाले को रास्ता याद करने की जरूरत ही नहीं, जहां जाना है बताइए कहाँ जाना है, वो टैक्सी में वो गूगल मैप्स पे डालता है और वो वहां पहुंच जाता है। तो जरूरी नहीं कि आपकी नॉलेज है, आपकी नॉलेज नहीं भी है लेकिन गूगल में टाइप करना आता है तो आप रास्ते को जान सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही डाउजिंग का जगत काम करता है नॉन लोकल इंटेलिजेंस पे। वो नॉलेज जो आपके पास है, आपकी ब्रेन में है, चाहे कॉन्शियस ब्रेन में है 1/9 और चाहे 8/9 सब कॉन्शियस ब्रेन में है, ये सारी नॉलेज लोकल इंटेलिजेंस है। और जो सारी मानवता की और जो सारे तरह की प्राणियों की, यानी सारी स्पीशीज की मिला के जो नॉलेज है, ये नॉन लोकल इंटेलिजेंस है। क्या कोई ऐसा तरीका है, क्या कोई ऐसी प्रणाली है जिस प्रणाली को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी लोकल इंटेलिजेंस से आंसर ना मांगे और ये जो ब्रह्मांड की ऊर्जा नॉन लोकल इंटेलिजेंस, जो समग्र इंटेलिजेंस है, उससे आंसर मांग सकें?
जी हाँ, ऐसा तरीका है, और उसके अंदर प्रवेश करने की कला डाउजिंग है। यानी जो चीज आपकी बुद्धि बल पर रिलाई ही नहीं करे, कहती है जब चाहिए मेरे पास आओ मैं बताऊंगी, जैसे वो ड्राइवर जिसको रास्ता नहीं पता, आपके घर भी आना हो आप मुझे एड्रेस दें, मैं गूगल में डालूंगा और मुझे एड्रेस मिल जाएगा। तो ऐसी चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा बुद्धि बल की जरूरत नहीं है। आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आप जितने मर्जी समझदार व्यक्ति हो या आप बहुत कम समझदार व्यक्ति हो, आपकी समझ से डाउजिंग के जगत का लेना देना बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा बंदा डॉक्टर है, वो भी कोर्स कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, तीसरा लॉयर है, आप भी। रितिका आना जरा, रितिका तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बुद्धि बल का प्रयोग ही बहुत कम है। तो प्रयोग किसका है? प्रयोग है जो समग्र नॉलेज पड़ी हुई है, वहां पे हम कैसे जाते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन कैसे निकाल के आ जाते हैं जब भी हमें जरूरत पड़ती है। तो इस प्रणाली को जानने का, इस रास्ते को जानने का, जो बहुत सुलभ आसान सरल है, जिसके लिए बहुत ज्यादा चेष्टा की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे साथ कुछ दिन बने रहें और डाउजर जरूर अपने पास रखें, तो हम इसको सीखने में कामयाब हो जाएंगे। तो डाउजिंग को अंग्रेजी भाषा के अंदर जो इसका टेक्निकल शब्द इस्तेमाल करा जाता है उसको बोलते हैं रेडियस्थीशिया। रेडियस्थीशिया, लेकिन अगर बोलें कि भाई रेडियस्थीशिया सीखेंगे तो आधे लोग तो बड़े परेशान कि भाई पता नहीं क्या कराने वाले हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए डाउजिंग एक प्रचलित शब्द है, इसलिए प्रचलित शब्द के अंदर हमने बात करी, पर इसका टेक्निकली नाम जो रहा पिछले 100 साल 150 साल में, वो रेडियस थीसिया ही रहा। एक एबे बॉली साहब थे फ्रांस के, उन्होंने ये नाम दिया था इस विद्या को रेडियस थीसिया। ये दो रूट्स पर आधारित है, एक को बोलते हैं रेडियस और एक को अथीसिस। अभी जो एस्थीसिस शब्द है इसका मतलब होता है सेंसिटिव होना, और रेडियस जो धातु है जिस पे ये शब्द बना हुआ है इसका मतलब होता है रेडियंस। सूर्य जो होता है ये ग्लो देता है, तेज देता है। इस तेज को, इस ग्लो को हम बोलते हैं रेडियंस। और सेंसिटिविटी का मतलब ये है, जैसे दांत है आपका, कई बार आप देखें दांत सेंसिटिव हो जाता है, का मतलब ये अब हवा भी दांत में दर्द पैदा कर रही है। क्यों? क्योंकि दांत सेंसिटिव हो गया है। रेडियस्थीसिया का मतलब है कि दुनिया में जितनी भी कुछ चीजें हैं वो कुछ रेडियंस दे रही हैं, उनके अंदर कुछ तेज है। इस तेज के प्रति सजगता, इस तेज के प्रति सेंसिटिविटी, ये है डाउजिंग। चाहे आप उसको पेंडुलम से नाप लें, और चाहे धीरे धीरे आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन वाला व्यक्ति सिर्फ देखते ही बोल देता है और वो बात सच्ची होती है और आप हैरान हो जाते हैं इसने बोल कैसे दी, क्योंकि वो उस ऊर्जा के प्रति एकदम सतर्क है और सेंसिटिव है। जो ऊर्जा उसको जो दिखती है ऊर्जा उसके प्रति, इसको मास्टर करने के लिए लेकिन एक चीज करनी बड़ी जरूरी है, और वो है अराजकता को स्वीकार करना। आपसे अगर पूछा जाए कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है, ये जो अनार्की का मौसम चल रहा है, ये ठीक है कि गलत है? अगर बहुत छोटे में आपको उत्तर देना हो तो मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग तो इसको गलत कहेंगे, लेकिन कुछ जो उनके करीबी होंगे या उस विचारधारा के लोग होंगे वो कहेंगे बिल्कुल ठीक है।
दोनों पक्ष हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक डाउजिंग विद्या को मास्टर करना चाहते हैं तो ये जो मैं अब आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये एक ऐसी चीज है जिसके कारण कई लोग डाउजिंग कर नहीं पाते आगे चल के। इसलिए वो कारण जिसके कारण लोग फेल हो जाते हैं उनको पहले दिन बता देना बहुत जरूरी है। डीपर्सनलाइजेशन, केओस आपने नहीं करी, केओस भगवान करा रहा है। जब हम एक पार्क में घुसते हैं वो पार्क के अंदर देखिए पौधे सारे कटे हुए प्रॉपरली हो तो पार्क बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन अगर वो पौधे कटे नहीं है, पत्ते इधर उधर पड़े हैं, झाड़ियां ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, आप कहेंगे बड़ा यार डिसऑर्गेनाइज सा सिस्टम हो रहा है, ये बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, तो डाउजिंग आपके लिए नहीं। अफगानिस्तान में अच्छा हुआ या बुरा हुआ अगर आप कोई साइड लेते हैं तो डाउजिंग आपके लिए नहीं। डीपर्सनलाइज, जो हो रहा है उससे अपने आप को हटाना है और जानना है कि क्या होगा, या जानना है जो नहीं दिख रहा वो क्या नहीं दिख रहा, वो तभी पॉसिबल है जब हम साइड ना पकड़े। तो जहां हमने साइड पकड़ी, चाहे वो साइड सही पकड़ी चाहे वो साइड गलत पकड़ी, वहां हमारा जो दिमाग है वो एक तरफा हो गया, और जहां दिमाग हमारा एक तरफा हो गया चाहे ठीक ही चीज के लिए हुआ, ये बात नहीं मैं कह रहा कि कौन ठीक है या कौन गलत है, पर ठीक ही चीज के लिए भी हुआ तो एक तरफे दिमाग से डाउजिंग की विद्या सीखने के अंदर मुसीबत आती है। डाउजिंग के लिए दिमाग खाली, आप दुनिया के बेहतरीन डाउजर, जैसे आपका दिमाग एक तरफा आपको मुसीबत। इसलिए डाउजिंग के अंदर एक दूसरे से दोस्ती करनी बड़ी जरूरी है। ऐसे नहीं कि मैं डाउजर हूं तो मेरी आपसे दोस्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब मेरे पे बीतेगी, जब मेरे को अपनी चीजों के बारे में पता करना होगा तब मेरा दिमाग एक तरफा हो जाएगा, और जब मेरा दिमाग एक तरफा हो जाएगा तो डाउजिंग से मैं ठीक आंसर नहीं ले पाऊंगा, तब मुझे जरूरत पड़ेगी आपकी, तब मैं राजकुमार जी को फोन करूंगा, दीपक जी को फोन करूंगा, एनके शाह जी को फोन करूंगा, धावनी जी को फोन करूंगा, और फिर मैं आपको बोलूंगा यार आप मेरे लिए करें, क्योंकि ये मेरी बात है, और अगर अपनी बातों को लेके मेरे दिमाग में एक व्यू है तो वो व्यू मेरी डाउजिंग के आंसर के अंदर टकराव पैदा करेगा। इसलिए हमेशा ये याद रखें कि केओस हम नहीं पैदा करते, अराजकता हम नहीं करते। आज हम इस दुनिया में हैं, कलम नहीं थे, और कलम नहीं होंगे तब भी ये दुनिया चल रही थी और चलेगी, तो ये कोई कर रहा है, और जो कर रहा है उससे बेटर आप कर रहे हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो फिर डाउजिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि हम आंसर उससे मांग रहे हैं जो कर रहा है, हम अपने दिमाग से आंसर नहीं मांग रहे हैं। अपने दिमाग को चला के अगर आंसर बुद्धि बल के प्रयोग पे लेना है तो फिर ज्योतिष का जगत है, और भी बहुत सारे जगत हैं जो उपलब्ध हैं, कैलकुलेशन का जगत है, प्रोबेबिलिटी का जगत है, मैथमेटिक्स का जगत है, साइंस का जगत है, बहुत सारे ऐसे जगत हैं जहां हम बुद्धि बल का प्रयोग करते हैं। यहां कोई बुद्धि बल का प्रयोग नहीं होगा, यहां सिर्फ एक्सेस का मैकेनिज्म है। एक जगह एक ट्रेजर पड़ा है, उस ट्रेजर को जाना है और लेके आना है, जा वही पाएगा जिसका दिमाग खाली होगा, जिसका दिमाग भरा होगा, जिसके अंदर साइड्स होंगी, जिसके अंदर पर्सपेक्टिव्स होंगे, जिसके अंदर नजरिए होंगे, तो यहां पर दिक्कत आएगी। इसलिए ये स्क्रीन दोबारा देखें, इसमें चूटियां पड़ी हैं कपड़ों की अलग अलग तरीके से, कोई एक तरीके से प्रॉपरली नहीं रखी गई, ये भी आपको उतनी ही मनमोहक लगनी चाहिए जितनी अगर मैं ऐसी कोई फोटो दिखाऊं जिसके अंदर ये सीधी सीधी अच्छी तरीके से लगी हुई हो, ये भी उतनी ही अच्छी हैं जितनी अगर मैं इनको सीधा करके रख दूंगा तो अच्छी होंगी। तो हमारे से कोई भी पूछे, सुंदर व्यक्ति पूछे, गोरा व्यक्ति पूछे, कुरूप व्यक्ति पूछे, कैसा लंबा व्यक्ति छोड़, हमारे को साइड नहीं लेनी। डी पर्सनलाइज योर पर्सपेक्टिव का मतलब ये है, क्या अच्छा है या क्या बुरा है इससे परे।
रिलीजन हमें सिखाता है कि क्या अच्छा है, मॉरल साइंस में हमारे को स्कूल में सिखाया जाता है क्या अच्छा है, ये मॉरल साइंस की क्लास नहीं है, ये मॉरल साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है खोज के निकालने का चीजों को, और हम इसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इसलिए हमारा एटीट्यूड ऐसा रहना चाहिए जो न्यूट्रल है, जो चीजों को सिचुएशन की तरह देखता है, गुड और बैड की तरह नहीं, ये सिचुएशन है अब इसमें क्या होने की उम्मीद है, क्या ज्यादा अच्छा रहेगा, ये बीमारी है, अब एक व्यक्ति बीमार है, एक व्यक्ति बीमार है, एज ए डाउजर आगे अगर हम कुछ यात्रा और करेंगे एक सवा साल, तो आगे बहुत एडवांस चली जाती है डाउजिंग, आप बैठे बैठे लोगों को हील भी कर सकते हैं घर बैठे, क्वेश्चन उसके अंदर एक तरह की हीलिंग होती है जिसको हम बोलते हैं एंड ऑफ लाइफ हीलिंग। एंड ऑफ लाइफ हीलिंग का मतलब यह है कि अगर इस व्यक्ति के लिए आप जिंदा रहना मजबूरी है तो फिर इसको चले जाना चाहिए। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है यूथनेशिया, यू मतलब गुड, थैनेटोस मतलब डेथ, कई कंट्रीज के अंदर अलाउ कर दी गई है यूथनेशिया। अब एक व्यक्ति है 20 साल से बिस्तरे पे पड़ा, क्या करें, कोमा में, ऐसे ऐसे केसेस आते हैं अस्पतालों में कि बहुत दिक्कत है। आप ब्लेस्ड हैं, आप सब हृष्ट पुष्ट हैं, घर बैठे हैं आराम से, यू आर ब्लेस्ड पीपल। एंड ऑफ लाइफ के अलावा एंड ऑफ रिलेशनशिप, एंड ऑफ रिलेशनशिप इफ द रिलेशनशिप इज इन लिम्बो, इन अ स्टेट ऑफ लिम्बो, दैट मींस बेसिकली कि ओके, एक लड़का एक लड़की को चाहता है लेकिन 6 महीने से बात नहीं हो रही, अब ये आगे दूसरी लड़की से विवाह करे या इसके पास दोबारा जाए, अभी 2 बार तो होके आया है, मिलने की कोशिश करी है, क्या करे। सो वी वॉन्ट इट टू रीच टू अ पॉजिटिव कंक्लूजन, इधर इफ इट कैन देन मेटीरियलाइज, अदरवाइज ब्रेक, सो दैट दिस पर्सन कैन मूव ऑन और दिस पर्सन कैन मूव ऑन। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अब अगर आप इस लड़के की तरफ से देखेंगे फिर डिसीजन लेंगे तो ये सही नहीं हो पाएगा। डिसीजन लेने के लिए आप बीच में रहेंगे, सिर्फ सिचुएशन को देखेंगे, फिर पूछेंगे, ये आंसर देगा नियति, आंसर देगी नॉन लोकल इंटेलिजेंस, आंसर देगी वो, जो आंसर देगी वो आपका गाइडेंस फैक्टर रहेगा कि व्हाट हैज टू बी डन, वेदर इट इज गुड वेदर इट इज बैड, ये हमारे गेम नहीं है, डाउजर्स की गेम नहीं है, स्पिरिचुअलिटी की जरूर गेम है, वो स्पिरिचुअल लोग समझाएंगे। तो ये मेरे को थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन, थोड़ा ब्रीफिंग देनी थी इससे पहले कि हम डाउजिंग की जगत में चलते। तो देखिए अब मुझे आप अपने अपने डाउजर दिखाएं, पेंडुलम्स, इसको थोड़ा कैमरे के पास ले आए, थोड़ा स्टेबल कर दें ताकि मैं देख पाऊं, तब भी तुम्हारा नहीं दिख रहा, ओके गुड गुड, दिस इज अ मेकशिफ्ट, आई हैव मेड, आई हैव ऑर्डर्ड वन बट इट हैज नॉट अराइव्ड येट, आई सी, सो आई जस्ट मेड इट आउट ऑफ, थोड़ा मेरा लॉजिकल माइंड यूज करके बनाया है, होपफुली इट वर्क्स। बनाने के लिए लॉजिकल माइंड इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने के लिए माइंड की जरूरत है। या आई जस्ट थॉट के थोड़ा मैं राउंड लेती हूं ताकि वो लाइक लंबे से ज्यादा राउंड अच्छा रहेगा, आई डोंट नो व्हाई बट थोड़ा ऐसा कुछ सोच के बनाया है ऐसा। यस यस इट इज गोइंग टू वर्क, बहुत अच्छे हैं ये, मैम के पास 3-4 हैं, वरुषा इज दिस फाइन, यस दे लुक, दिस इज एक्चुअली अ व्हाट डू यू कॉल 7 It's a crystal pendant as a pen, which is like a dowsing missing. Is this fine? Yes, it is. To start with, everything is fine unless you know how to use the different pendulums available. जो मैं आपको थोड़ा-थोड़ा बताऊंगा, एक साई दत्ता
जी हैं, इनके पास बहुत अच्छा पेंडुलम है, ये हीलिंग के काम भी आ सकता है, आई होप इनको पता होगा, वंडरफुल पेंडुलम। चलिए ठीक है। हाँ जी एक सेकंड मैम, दूसरी स्क्रीन पे भी मैं देख लूँ। विजी श्रीनिवासन जी, यू हैव अ वेरी डिफरेंट पेंडुलम, गुड। चिंतन जी, यू हैव अ डिफरेंट पेंडुलम, इट हैज सम काइंड ऑफ स्टोरेज आई गेस इन इट, स्टोरेज कैपेसिटी इन इट, सो देर आर सम प्रिकॉशंस टू बी टेकन विद दैट काइंड ऑफ पेंडुलम, आई लेट यू नो इन अ व्हाइल। सर ये बराबर है जी, जस्ट वन सेक मैडम, मैं स्क्रीन देख रहा हूँ, ऑल्टरनेटिव स्क्रीन जी। पेंडुलम तो अच्छे हैं आपके, एक मैंने आपको प्रिंट आउट करने के लिए, अच्छा ठीक है नीचे रख दीजिए, मैं बताता हूँ आपको पेंडुलम के बारे में थोड़ा सा। वंडरफुल पेंडुलम बहुत सारे, एक बारी दोबारा से आप लोग अगर अपने आप को म्यूट कर लें, मैं दोबारा फिर अनम्यूट करवाता हूँ। ओके थैंक यू। सो पेंडुलम बहुत तरह के होते हैं, हमें सिंपल पेंडुलम चाहिए जिसकी, देखिए ये थ्रेड है, ये भी मेटल की है, डजंट रियली मैटर एज फार एज नोइंग इज कंसर्न्ड। हीलिंग पे जाएंगे जब कल को, तो फिर हमें थ्रेड बेस्ड पेंडुलम चाहिए होते हैं, और वो अलग अलग होते हैं, उनके नाम अलग अलग होते हैं, उनके प्रयोजन अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे इसका नाम होता है कैरनाक, ये अलग तरह की व्याधियों को ठीक करने में काम आता है, ये ओसायरस होता है, ये अलग तरह की व्याधियों को ठीक करने में काम होता है, और ये आइसिस होती है, ये अलग तरह की व्याधियों को ठीक करने में काम आता है। फिर अभी इसके चार डिस्क हैं, फिर कभी नौ डिस्क हो जाएंगी, कभी इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, मरकाबा होते हैं, बहुत तरह के पेंडुलम्स होते हैं। बेसिक इशू क्या है अभी हमारे लेवल पर, कि हमारे को या तो क्रिस्टल पेंडुलम चाहिए या मेटल पेंडुलम चाहिए, दोनों की कुछ ना कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रहती हैं। क्रिस्टल की प्रॉब्लम यह है कि आपको क्लियर करना पड़ता है बार बार, क्योंकि क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर लेती है एनर्जी को। तो क्रिस्टल का पेंडुलम है तो हम एक बार चर्चा करेंगे, डे नंबर 5 तक करते हैं चर्चा, कि कैसे आप उसको रेगुलर बेसिस पे क्लीन करते रहें, बिकॉज अदरवाइज यू आर डूइंग एवरीथिंग बट यू आर गेटिंग करप्टेड आंसर्स, एंड इफ यू गेट करप्टेड आंसर्स तो ये शुरू में आपके कॉन्फिडेंस को इतना खराब कर देगा कि आप कहेंगे ये सब बेकार है, इसको छोड़ दो। लेकिन अगर आपको ये जानना आ जाएगा कि इसको क्लीन कैसे करना है या पता कैसे लगाना है कि ये करप्टेड है, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, फिर कोई आप इसको छोड़ के जाने वाले नहीं है, फिर तो आप इसमें डूबने वाले हैं कि हाँ ये मुझे आना चाहिए। तो क्रिस्टल पेंडुलम की अपनी दिक्कत है, और जो मेटल पेंडुलम्स हैं, ऑल्दो आई प्रेफर मेटल वन, उसका एक और कारण है, बट मेटल पेंडुलम्स के अंदर दिक्कत तब आती है जब हम, फॉर एग्जांपल कॉपर इज वेरी सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर आपके आसपास बहुत सारे मोबाइल फोन्स पड़े हैं तो कई बार रीडिंग बहुत मार्जिनली डिफरेंट होती है। मार्जिनली मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैं पता कर रहा हूँ कि जो भी चोर है उसका वेट क्या है, मुझे उसका वेट कैलकुलेट करना है। अब अगर मैं वो 75 किलो के बजाय 76 कह देता हूं तो मेरी रीडिंग एक किलो डिफरेंट हो गई, बट इफ दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट टू मी एट दिस पॉइंट इन टाइम ओनली देन आई हैव टू बी सो मच केयरफुल अबाउट इट। 90% ऑफ द टाइम्स, इवन इफ अगर 90% में अगर कई बार आप इतना सा चूक कर भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पेंडुलम्स आपके पास है अभी शुरू में चलेंगे, लेकिन जब भी पेंडुलम आता है तो हम सबसे पहले उसको थोड़ा सा ट्रेनिंग दे देते हैं। क्या दे देते हैं? ट्रेनिंग दे देते हैं। आप सब म्यूट पे हैं, राइट। डॉक्टर मीता जी ने अभी अभी करा था वो। अच्छा, इसमें जैसे डॉक्टर को सिखाया जाता है ना मास्क डाल के रखो, तो अस्पताल से आने के बाद मैं तो मैडम मास्क उतार देता हूँ, लेकिन आपने फिर भी डाला हुआ है, ये अच्छी बात है। तो एक चीज इंपॉर्टेंट होती है देखने की, आपका पेंडुलम पॉजिटिव है कि नहीं है, हम मान के चल रहे हैं। अगर पेंडुलम पॉजिटिव है फिर भी कई बार आंसर नहीं मिलते, उसके भी तीन कारण मैंने देखे हैं। पहला, आप डिहाइड्रेटेड होते हैं तो आपको, यू आर स्विच्ड, स्विच्ड का मतलब हाँ के बदले में ना, ना के बदले में हाँ, इसलिए पानी पीना बड़ा जरूरी है। और मैं भी काफी देर बोल चुका हूँ तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि पानी पी लें पहले,
जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं तो आंसर ठीक नहीं आते। अगर गर्दन में सर्वाइकल हो आंसर ठीक नहीं आते। तीसरा, अगर कोई पोजेशन हो, स्पिरिट एंटिटीज वगैरह की प्रॉब्लम हो, आंसर ठीक नहीं आते। तो ये तीन प्रॉब्लम्स बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये तीनों प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर किसी को हो तो उनको हम सेपरेटली देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स का निवारण कैसे करा जाए। सिमिलरली फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके पेंडुलम्स क्लीन हैं, ये एक एजम्पशन है और ऐसा होने की उम्मीद भी 90% है। सपोज करते हैं आप में से किसी को जो हम आज करें उसमें रिजल्ट नहीं मिले तो आप शेयर करेंगे क्लास में, तो फिर मैं आपका पेंडुलम क्लीन कर दूंगा, वो एट अ डिस्टेंस भी हो जाता है। तो अब मैं ये ऑन करता हूं कैमरा के साथ अपनी शीट, एक सेकेंड। इस तरह की शीट मैंने आप लोगों के साथ साझा करी थी। इसके ऊपर हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है पर सबसे ज्यादा जरूरी है। हाथ जब भी आप पेंडुलम को पकड़ें, ओके गिव मी अ सेकंड, पेंडुलम को पकड़ना देख लेते हैं कैसे। हम नॉर्मली 3 to 4 inches पर पेंडुलम को पकड़ते हैं, लेकिन आप कई लोग यहां से पकड़ने की कोशिश करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है और मूवमेंट बहुत कम होगा और हाथ को इतना ऊंचा रखेंगे हाथ जल्दी थक जाएगा। तो हाथ को सबसे पहले जहां भी आप डाउजिंग करें, कोई टेबल वगैरह अपना बनाएं, उस पे पहले एक आप समझे कि यू आर ए प्रोफेशनल, तो अपने आप को एक टेबल गिफ्ट करें कि यहां मैं बैठूंगा बैठूंगी, ये देखिए हाथ को मैंने रखा ऐसे, अब मेरे हाथ में दर्द नहीं होगा, मैं आधा घंटा भी डाउजिंग करूंगा पेंडुलम चलाऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई एम एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। इनफैक्ट या तो पानी पीजिए या जो भी ड्रिंक आपको अच्छी लगती है सिवाय अल्कोहल के, क्यों अल्कोहल इसलिए नहीं क्योंकि वो माइंड के साथ आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, तो जो भी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो आपको पसंद है वो साथ में लेते रहें, चाय लेते रहें, कॉफी लेते रहें, आराम से बैठें। ये आराम की गेम है, बुद्धि लगानी नहीं आराम लगाना है। आ जाओ भाई क्या बात है, क्या प्रॉब्लम हो गई, अच्छा ये प्रॉब्लम है, ओके अभी देखते हैं, देख भी सकते हैं ठीक भी कर सकते हैं लेकिन आराम से। तो लिख लीजिए अपने मन में मैं राजा हूं, जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी तब तक मुसीबत होगी। और वो इंडिफरेंस जो मैंने बताया था डीप पर्सनलाइज, तो डीप पर्सनलाइज होना भी बड़ा जरूरी है। जैसे ही आपने सहेली, अच्छा ओहो तुम्हारा हाथ कट गया, ओहो कैसे, अब वो मेरी आत्मा इतनी ज्यादा आपके साथ मिल गई, मैं अपने आप को इतना, आपने देखा होगा एक फिनोमेना है जो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी करा, जैसे माइकल जैक्सन की डेथ हुई बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। इंडियन एग्जाम्पल देखें, तमिलनाडु के अंदर मिस जयललिता ने बहुत देर तक वो चीफ मिनिस्टर रही, जयललिता जी की डेथ हुई बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। वेन यू आइडेंटिफाई सो मच विद ए पर्सन, आपकी नियरनेस आपके दिमाग में इतनी ज्यादा हो जाती है उस व्यक्ति से, तो उस व्यक्ति के जाने से आपको बहुत आघात लगता है। जब आप कुर्सी पे बैठे हैं You are the king and you are different than the other person. ये दूरी mentally बना के रखें, नहीं तो ये आपका सरदर्द कर देगी। कई लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, यार मैं करना शुरू करता हूँ उसके बाद यार मैं बहुत, it is very tiring, dowsing is very tiring. अरे नहीं, it is not at all tiring ना, आपने बना रखी है। अगर किसी में घुसोगे इतना तो फिर tiring तो वैसे भी हो सकता था, आप dowsing ना करें, आप बैठ जाएं और बोले मैं दुख सुनने आया हूं, मुझे दुखाओ। अब दुख सुन के अगर दुख लेंगे तो भाई भारी तो होगा ही, किसी के फादर चले गए हैं उससे आप 10-15 मिनट बात करेंगे खुद भी तो भारीपन आएगा ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये डाउजिंग के कारण नहीं आ रहा, इसलिए इस चीज को अलग करना शुरू में जरूरी है। और बैठ जाएं और हाथ ऐसे रख लें, 3 या 4 inch की दूरी पर अपने पेंडुलम को पकड़ें
और फिर ये घूमता रहेगा। ऑफ कोर्स थोड़ा सा नीचे भी हाथ रखेंगे ताकि ये टेबल के पास ऐसे इतनी दूरी पे आ जाएगा, लेकिन हाथ कोने ये नीचे कंफर्टेबल पोजीशन में होनी चाहिए। आपकी पोजीशन आपके सक्सेस का दूसरा पहलू है। पहला पहलू आपका दिमाग, जो मैंने बोला कि बिल्कुल न्यूट्रल, कोई साइड किसी की नहीं लेनी, और दूसरा पहलू कंफर्ट, जहां आप बैठे हैं वो भी कंफर्टेबल, आपका हाथ वो भी कंफर्टेबल, आपका मन वो भी खुश। नहीं तो कुछ पीजिए, मैंने आपको बताया जो आपकी अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको पीजिए। हाँ, अब करेंगे जी डाउट। तो कैसे हम ट्रेन करते हैं अपने पेंडुलम को, ये देखते हैं। तो कुछ मूवमेंट्स हैं जो हमारे पेंडुलम की हो सकती हैं। नॉर्मली ये जो वर्टिकल मूवमेंट है, वर्टिकल मतलब हम खड़े हुए हैं, ये हम खड़े हुए हैं और ये हम लेटे हुए हैं। लेटे हुए की लाइन की लड़की की होती है, खड़े हुए की लाइन की लड़के की होती है। खड़े हुए को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लेटे हुए को बोलते हैं मैग्नेटिज्म। ये कॉन्सेप्ट होता है इसोटेरिक क्रॉस का। यहाँ हमारा जो स्वास्तिक होता है तकरीबन तकरीबन उसका, वो साथ में बस चार डंडियां और लग जाती है, स्केलर से वेक्टर बन जाता है, यानी वो डायरेक्शन और दिखा देता है, वो ऐसे कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि भाई सूर्य जो है वो ईस्ट से उगेगा तो पहले ये इस तरफ को जाएगा, साउथ की तरफ, फिर साउथ से इधर जाएगा, वेस्ट की तरफ सो जाएगा, और यहाँ पे नॉर्थ होता है ना। इसलिए बाथरूम वगैरह इस तरफ अच्छे होते हैं क्योंकि यहाँ पे धूप रहती है तो बैक्टीरिया मरता रहता है। तो ये जो स्वास्तिक भी बनाते हैं तो इसमें भी बेसिक अंदर क्या है, प्लस है, क्रॉस है। तो ये क्रॉस के अंदर मैंने आपको बताया ये इलेक्ट्रिसिटी, ये मैग्नेटिज्म, ये मेल प्रिंसिपल, ये फीमेल प्रिंसिपल। हमारा समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, वरना नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आपकी सेहत पे, डाउजिंग की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा अभी तक। अब देखिए हमने ट्रेन करना है और इसको बोलना है कि भाई यस आंसर को, एक तरीका ये, गिव मी ए यस लाइक दिस, उसको बोलना है मेरे को हाँ ऐसे दिया करो, उस पे रखें और उसको बोलें, दिस इज कॉल्ड अ यस रिस्पॉन्स, गिव मी अ यस। सर कौन से हाथ से करना, लेफ्ट से राइट से? पहली बात तो रविंदर जी आपने वीडियो चलाया नहीं, मैंने स्पेसिफिकली कहा था वीडियो नहीं चलाओगे मैं यहाँ से हटाऊंगा वीडियो। हाँ फिर सामने आके बात करें, मेरे को भी समझ में आया। ये तो आपकी आवाज से मैंने पहचान लिया आपको। वेट, कोई बात नहीं। तो बाकी देखें ये आगे पीछे जाकर इसको बोलें, दिस इज कॉल्ड ए यस रिस्पॉन्स, ये हाँ है। ये हम क्या कर रहे हैं, अपने पेंडुलम को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसा तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए करना है। उसको बोलें ये हाँ है। कौन सी मूवमेंट है, वर्टिकल मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट है, वर्टिकल मूवमेंट। ठीक है, अब दूसरी मूवमेंट करेंगे रविंदर जी। ठीक है ओके। अब हम कर रहे हैं नो की मूवमेंट। ये जो लेटी हुई लाइन है इधर से इधर, लेफ्ट हैंड से करना था राइट हैंड से? देखिए मैं तो एम्बिडेक्स्ट्रस हूं, मैं सारे काम दोनों हाथों से कर सकता हूं, इसलिए मुझे फर्क पता नहीं चलता। जो आपका डोमिनेंट हैंड है, जिस हाथ से आप ज्यादा कंफर्टेबल है उससे करें। नॉर्मली मेरा कहना यह होता है कि लेफ्ट से करें तो ज्यादा अच्छा है, राइट से साथ साथ ना रिपोर्ट लिखी जाती है। लेफ्ट से काम करें, राइट से रिपोर्ट लिखें, बहुत जल्दी काम हो जाता है। बट अगर आप कंफर्टेबली महसूस नहीं करते हैं लेफ्ट हाथ से काम करने में तो फिर ऐसा ना करें। इसके अंदर और भी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। इन्होंने जो हाथ का क्वेश्चन पूछा, पेंडुलम नीचे रखे, मैं इसका जवाब दे देता हूं। रॉबर्ट स्पेरी साहब ने 1960 के अंदर एक रिसर्च करी थी ब्रेन के ऊपर, जिसके अंदर उन्हें
नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने ब्रेन के हेमिस्फीयर निकाले कि हमारे दिमाग के दो टुकड़े हैं, एक टुकड़ा राइट का है, एक टुकड़ा लेफ्ट का है। राइट का टुकड़ा जो है वो लेफ्ट बॉडी के साथ रिलेटेड है और लेफ्ट का टुकड़ा जो है पूरी राइट बॉडी के साथ रिलेटेड है। तो अगर आपके पास कोई पैरालिसिस का पेशेंट आए और उसकी राइट बॉडी जाम है तो प्रॉब्लम कहां से आई होगी? लेफ्ट ब्रेन से आई होगी। ठीक है, जस्ट से सो जो इसके बाद देखा उन्होंने, ये स्परी साहब ने ये निकाला कि जो हमारी ब्रेन का राइट हिस्सा है ये बहुत क्रिएटिव है, लेफ्ट लॉजिकल है। एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लॉजिकल, ऐसे आपको याद रहेगा। तो लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल होता है, राइट क्रिएटिव होता है। अगर म्यूजिक करनी है, कला करनी है, अगर वन प्लस वन को टू नहीं करना है, वन प्लस वन को अगर टू नहीं करना है, और कभी वन प्लस वन टू होते नहीं एक्चुअल जिंदगी में, अभी मैं आपको बताता हूं, ये भी कभी क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं बताता हूं, लेकिन फिलहाल राइट ब्रेन मैंने आपको बताया, मैंने कहा कि कला क्रिएटिविटी, तो राइट ब्रेन से कौन सा हाथ जुड़ा है? लेफ्ट। तो कला का काम करते हो तो लेफ्ट हाथ हमेशा प्रेफरेबल है, लेकिन अगर आपका कंफर्टेबल नहीं है तो आप राइट ले लो। लेफ्ट से डाउजिंग चलेगी, राइट से रिपोर्ट राइटिंग चलेगी, छोटा सा लिखते चले गए, जो जो हमारी फाइंडिंग्स हैं, काम करना हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। वापस चलते हैं। तो अब ट्रेनिंग का दूसरा पहलू यानी कि नो कैसे करें। अब देखें ये पेंडुलम ऐसे जाएगा और आप बोलेंगे दिस इज ए नो रिस्पॉन्स, दिस इज ए नो रिस्पॉन्स। अगर ये ऐसा करता रहे एक मिनट तो ये ट्रेन हो जाता है कि ये आपको नो ऐसे बताएगा, दिस इज ए, लेकिन बोलना है, इंटेंशन इज एवरीथिंग इन आवर वर्ल्ड, इंटेंशन इज एवरीथिंग इन आवर वर्ल्ड, इच्छा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ए नो रिस्पॉन्स। अब देखिए यस और नो का एक तरीका मैंने अभी आपको बताया, एक तरीका अभी और बताता हूं। तो अब अपना नाम इससे पूछे, अब हमने जो ट्रेनिंग दी है दो चीजों की दी है, अब आप इससे नाम पूछे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम प्रबल है तो मैं इससे पूछूंगा इज माई नेम, ये थोड़ा दिखता डिफरेंट तरीके, इज माई नेम प्रबल। ओके, इज माई नेम दीपक, इस तरह से ये एक्सरसाइज करेंगे। मैं आपको दो मिनट देता हूं, आप इससे पूछेंगे अपना नाम, अगर आपने इसको ठीक ट्रेन कराया, जब आप बोलेंगे अपना नाम, दैट जैसे फॉर एग्जांपल हमारी स्क्रीन पर है ट्विंकल जैन जी, तो जब ये बोलेंगे आई एम ट्विंकल जैन, तो इनका सिर्फ जो पेंडुलम है वो यस रिस्पॉन्स देगा, और जब ये बोलेंगी कि शी इज फॉर एग्जाम्पल रीमा, तो ये नो करेगा। ये आप करें, दो मिनट का समय लें, फिर मैं आपको आगे इसको आपके पेंडुलम को ट्रेन करवाता हूं। प्रमिला जी बहुत ऊपर से पकड़ा है आपने, इसको हम पास से पकड़ते हैं, आप थक जाएंगी, इतनी दूरी पे पकड़ लें 3 से 4 इंच तो आसान रहेगा और मूवमेंट भी एकदम क्लियरली दिखेगी, 3 से 4 इंच। और इस तरह पकड़ा जाता है कि हर तरफ पेंडुलम इक्वल ईज से घूमे। कई बार हम गलत पकड़ते हैं, जिस तरह से एक तरह की मूवमेंट आसान होती है और दूसरे डायरेक्शन की मूवमेंट मुश्किल होती है, तो वैसे नहीं पकड़ना चाहिए, पेंडुलम हर तरफ आराम से घूम सके और 3 इंची पे ही पकड़ें।
भावना जी मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपके पेंडुलम को, आपकी शक्ल तो पूरी दिखती है, पेंडुलम नहीं दिखता। हाँ थोड़ा पास से कर लेंगे तो थोड़ा और अच्छा होगा, वैसे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड, दिलीप जी बोल रहे हैं डन सक्सेसफुली, वेरी नाइस, लेट मी सी ऑन द सेकंड स्क्रीन, यस। दीपक जी आपका भी कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। सर पॉजिटिव आंसर तो बहुत स्लोली आ रहा है, नेगेटिव आंसर बहुत फास्ट आ रहा है। कोई बात नहीं, मतलब मूवमेंट ऐसा है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, एक दो दिन लगेंगे, अभी तो शुरुआत है, कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। अच्छा कुछ यहाँ पे भी होता है कि इजीली कर रहे हैं कि बहुत डिफिकल्टी के साथ कर रहे हैं। ओए आंसर आया कि नहीं आया, ओहो इतना घबरो ना। आपके अगर हम उसके दिमाग में जोर भी लगाएंगे तो आंसर जल्दी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे भागने में तो होता है जोर ज्यादा लगाऊंगा तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, ये बात सच है, लेकिन इसके अंदर मैं बहुत जोर लगाऊंगा तो मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाऊंगा। नहीं मेरा मतलब ये था कि जब यस का पूछे तो बहुत थोड़ा हिल रहा है, नो का पूछे तो बिल्कुल ऐसे जैसे आपने बोला ना नाम का कुछ और नाम लो तो वो बहुत जल्दी मूव हो रहा है। हाँ जी हाँ जी, मैंने इसका जवाब दिया जो मेरी बुद्धि से बन पा रहा था। ठीक है सर, प्रैक्टिस करेंगे। दीपक जी आपका अभी भी दिखा नहीं, ये डायगोनल भी जा रहा है सर। अभी आ रहा हूँ उसको, मैडम डायगोनल पे ही चर्चा है। सर पहले आंसर आया फिर सर्कुलर मूवमेंट होने लगी, राउंड मूवमेंट। हाँ अभी करेंगे वो सारा, मैं बता रहा हूँ मतलब लोगों को देख लो। ये है चिंतन जी, चिंतन जी आपका दिख नहीं रहा मुझे आपका चेहरा। हाँ ठीक है गुड गुड, मेरा तो दोनों ही सही आए, नो भी बोला और यस भी बोला। गुड हाँ दीपति ठीक है, थोड़ा और पास से भी पकड़ा जा सकता है बट गुड है। अब देखें थोड़ा धीरा चल रहा है तो आप लोगों के साथ हुई, पहली चीज ये जो स्पीड के अंदर किसी को फर्क नजर आ रहा है वो इसलिए कि आपका दिमाग जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व है, वो आप कॉन्शियसली ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं। ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाना चाहिए विद इन 24 आवर्स। नहीं होता तो मैं एड्रेस करूंगा इस इशू को ऑलमोस्ट ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस कि आपका क्यों नहीं हो रहा, देख लेंगे। दूसरा जो मूवमेंट है वो मैं शेयर करता हूं स्क्रीन, गिव मी अ सेकंड। अपोजिट आ गया सर। सर फैन चला के कर सकते हैं कि फैन बंद करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? मैडम यही तो चक्कर है ना सारा, आपका आप जो बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो? रश्मि बोल रहे हैं। मैं देखता मतलब दिखाओ एक मिनट, कहाँ एक मिनट शक्ल दिखाएं, मैं देख नहीं पा रहा। डायगोनल आ गया, डायगोनल का बताने लगा हूँ, डायगोनल का ही बताने लगा था, पर इन्होंने क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा है। रश्मि बोल रही हैं आप, आपने कहा था? हाँ रश्मि। हाँ दिखाएं पेंडुलम को ऐसे पास रखें कैमरा के तो मैं देख पाऊंगा। एक तो पास से पकड़े, बहुत दूर से पकड़ा है, थोड़ा पास से थोड़ा नजदीक से। हाँ। आपने 2-3 इंच बोला ना सर, तो 3 इंच के अंदर है ये। 3 इंच के अंदर है, दिखाओ थोड़ा पास करो ना, मेरी आंखें बुढ़ी हैं मैडम, मैं बूढ़ा आदमी हूँ। हाँ थोड़ा पास से पकड़ो इसको, लंबे वाला है ये, थोड़ा पास से पकड़ो। अब इतना, अब ये जो आपका पेंडुलम है ये हल्का है, हल्के पेंडुलम के साथ प्रॉब्लम होती है इसलिए मैं हल्के यूज कम करता हूँ, लेकिन कई लोग हैं जो बड़े अच्छे डाउजर्स हैं और वो यूज सिर्फ हल्का पेंडुलम ही करते हैं। ओके मैं ये पंखा जो चलाएं तो पंखे से एकदम फर्क पड़ जाता है, वो हिल जाता है आपका जो डाउजर, जो आपका डाउजर है ये हिल जाता है, और जब ये हिल जाएगा तो दिक्कत होगी। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा पंखा बंद है, मेरा पंखा बंद है इसीलिए बंद है कि मेरे को डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है? तो या तो इस तरह का भारी पेंडुलम इस्तेमाल करें। देखिए मैंने आपको 4 पेंडुलम दिखाए फिलहाल जो मेरे टेबल पर हैं, और ये चारों भारी हैं। दे आर हैवी वेट, यू आर सेइंग हैवी वेट है। हाँ जी भारी। ये आप हिंदुस्तानी है ना, मतलब हिंदी तो आती है आपको?
ये भी वैसे तो हैवी है, स्टोन है ये, सेवन जैसे चक्र का सस्ते वाला खरीदा हुआ है, वो सस्ते में यही मिलता है, इससे महंगे वाले आते हैं। आपको पता है कितने बड़े बड़े पेंडुलम आते हैं, इतने बड़े पेंडुलम भी होते हैं, वो $100 से ऊपर के आते हैं, वो हैवी होते हैं। ये भी हैवी है, ये ब्रास का है, ये 800 रुपए का आता है, यहां से अमेजोन से मिल जाता है। अब इसकी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये देखें कि आपका जो भी पेंडुलम है क्या वो पंखे से हिलता है, हाँ या ना। अगर हिलता है तो पंखा बंद करके करें या पेंडुलम एक दूसरा ऑर्डर कर लें, ताकि आपको कई कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर थोड़ी गर्मी होती है, थोड़ा ब्लड जो है, बीपी जो है वो तेज होता है, आप उनका हाथ भी मिलाओ ना, उनका हाथ भी थोड़ा सा गर्म होता है, हाथ मिलाओ थोड़ा सा गर्म, तो फिर वो उनको पंखे की जरूरत होती है। मेरी बचपन से आदत है, मैं बगैर पंखे की भी बैठता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर, इसका आंसर देना। लेकिन कई लोग मेरे पास हाय 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 पंखा नहीं चला रहे आदमी हो, तो पंखा चलाना पड़ता है। हाँ जी हाँ जी, अभी चलाते हैं आपके लिए, बिल्कुल आप कंफर्टेबल हो जाएं। तो ये इंडिविजुअल वेरिएशन है। अब बात आती है दूसरी कि कभी कभार ऐसे आंसर देना, कभी कभार मूवमेंट जो है वो ऐसे चली जाती है, सॉरी ये दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं ऐसे करता हूँ, कभी कभार मूवमेंट ऐसे चली जाती है या मूवमेंट ऐसे चली जाती है, इसको बोल देते हैं तिरछी मूवमेंट या अंग्रेजी में डायगोनल मूवमेंट। ऐसे जो मैंने अभी बनाई नहीं थी जान के, जो आपको शीट्स दी हैं इस पर, इसका मतलब क्या है? देखिए, एक है हाँ, दूसरा है ना, तो क्या बच गया? मे बी का मे बी को किसी और शब्द, देखो एक कहा जा सकता है आई हेट यू, एक कहा जा सकता है आई डोंट लव यू, ये दोनों तकरीबन एक ही चीजें हैं, लेकिन सिखाया जाता है कम्युनिकेशन के अंदर, जब हम कम्युनिकेशन की क्लास लेते हैं, यूफेमिज्म की आर्ट, ये मत कहो कि आई हेट यू, ये कहो कि आई डोंट लव यू। जैसे इंडिया इज ए अंडर डेवलप्ड कंट्री कह दोगे तो गाली लगेगी हमको, लेकिन इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डेवलपिंग वही होता है जो अंडर डेवलप्ड होता है, बाकी तो फिर डेवलप्ड हो जाता है। तो चुभन हम निकाल दें अगर अपने शब्दों में से, तो वार्तालाप एक अच्छे मौसम में हो जाती। मे बी का दूसरा पर्यायवाची शब्द है आई डोंट नो, इट मीन्स कि हमने जो क्वेश्चन पूछा है इसको रूपांतरित करके किसी और तरीके से पूछेंगे तब पेंडुलम बता पाएगा, ऐसे पेंडुलम नहीं बता रहा है। लेकिन ये तो बात होगी कल या परसों से, आज क्या अगर आपका ये आंसर आया है तो इसका मतलब ये है कि आपने पहले ट्रेनिंग नहीं दी। दोबारा से, एक तो मैंने तीन चीजें बताई, पानी पीना, अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं तो समस्या, अगर आपको सर्वाइकल इश्यू है तो समस्या, अगर कोई एंटिटीज की प्रॉब्लम है तो समस्या, अगर डाउजर आपका क्लीन नहीं है तो समस्या, अगर ये समस्याएं नहीं है फिर आपने देनी है ट्रेनिंग। अभी अगर ये बोलता आई डोंट नो, जबकि आपका नाम ही तो आप पूछ रहे हैं कि मेरा नाम क्या संजय है, तो इसको बताना है कि हाँ है। अगर ये नहीं बता रहा है कि आई डोंट नो, डायगोनल मूवमेंट दे रहा है, इसका मतलब अभी हमने इसको ट्रेनिंग नहीं करी, इसको आज आप ट्रेनिंग करें तो ये आज ही आपको ठीक रिस्पॉन्स देगा। तो क्लास के बाद एक मिनट इसको हाँ की ट्रेनिंग, एक मिनट इसको ना की ट्रेनिंग, पर पानी पी के, क्योंकि पानी पीना आपके हाथ में है, ये चीज तो आप कर सकते हैं। तो इतना सा करेंगे तो आपको बेसिक मूवमेंट पता लग जाएगी, लेकिन हाँ या ना के अंदर फिर भी अगर समस्या आ रही हो तो फिर हमारे पास एक दूसरा तरीका है, वो तरीका है गोल गोल राउंड राउंड तरीका। ये लास्ट हम कर रहे हैं, 8:30 हो गए हैं, सो आई विल जस्ट टेक अ मिनट मोर एंड देन एंड द क्लास बिकॉज यू माइट हैव प्लान्स फॉर अदर थिंग्स। सो हाँ का तरीका होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट, पर ये हम ऑटोमेटिक मिल जाती है हमें,
हमें ये बोलना नहीं है, इसकी ट्रेनिंग नहीं देनी है इसको, इससे पूछना है कि शो मी अ यस रिस्पॉन्स। जब आप इसको बोलेंगे शो मी अ यस रिस्पॉन्स, जैसे मैं इसको बोलता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि कैसे घूम, मेरा हाथ बिल्कुल न्यूट्रल है, आई एम टेलिंग इट कि मुझे हाँ दिखाओ, मुझे ना दिखाओ, सो देयर इज अ डिफरेंस। आई डोंट हैव टू ट्रेन द डाउजर फॉर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट हाँ, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ना, ये डाउजर अपने आप करेगा। अब आप बोलेंगे क्या मेरे अंदर कोई एंटिटी की प्रॉब्लम है, ये मुझे कैसे पता लगे? अगर आपके रिस्पॉन्सेस ठीक नहीं आते हैं ट्रेनिंग कराने के बाद, तो ये भी आप अपने आप पता लगा सकते हैं। अगर आप इसको बोले गिव मी अ यस रिस्पॉन्स और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं दैट देयर इज सम एंटिटी प्रॉब्लम विद यू। दैट मींस अंग्रेजी में इसको एक शब्द कहते हैं स्विच्ड, यू आर स्विच्ड, गुड इज इवल एंड इवल इज गुड फॉर यू। So for a positive response, you will get a negative response, and for a negative response, you are getting a positive response. तो अब दो तरीके हैं, या तो इसको ठीक कर लेंगे या इसको ऐसे ही चलने देंगे। ऐसे चलने देंगे तो आपका उल्टा पड़ेगा। वो कहते हैं ना, कई लोग राइट से लिखते हैं, कई लेफ्ट से लिखते हैं, doesn't make much of a difference। या ठीक कराना चाहेंगे तो वो ठीक भी हो सकता है, it is not a very big deal। तो जहां तक ट्रेनिंग देनी है वो सिर्फ यस और नो रिस्पॉन्स की, और जो ऑटोमेटिक वो आपको बताएगा, तो वो जब आप बोलेंगे मेरे को यस बताओ तो क्लॉकवाइज घूम के बताएगा, मुझे नो बताओ एंटी क्लॉकवाइज घूम के बताएगा। अब उससे पूछ सकेंगे जब कि क्या आज ये होमवर्क है आपका, सिर्फ एक क्वेश्चन, वो ट्रेनिंग तो करनी है पर एक क्वेश्चन पूछना है, क्या आज वेंसडे है, और देखिए कि वो क्या बताता है। एक और उससे पूछ लीजिए, क्या आज थर्सडे है, फिर उसको देख लीजिए कि वो क्या बताता है। बस इट इज वेरी सिंपल। आज पूरी क्लास में कुछ और समझ में आया हो या ना आया हो, ये एक एक मिनट की ट्रेनिंग करानी है और उससे पूछना है। अगर इतना हो जाता है, इतना अगर करते हैं हाथ से, तो समझिए कि हमने पहला कदम डाउजिंग के जगत में रख दिया। तो आज आप लोग सारे मेरे साथ बने रहे, आपने अपना महत्वपूर्ण समय इस विद्या को सीखने के अंदर लगाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर वन क्वेश्चन, हम कल इसी समय दोबारा और मेरी कोशिश होती है कि जो समय दिया हो उसी समय में स्टार्ट कर दूं। अगर आप लेट भी हो जाते हैं तो अभी फिलहाल अगर रिकॉर्डिंग हो पाएगी जैसे आज हो पा रही है तो वो मैं शेयर कर दूंगा, तो आप देख लेंगे, पर कोशिश करें कि समय पे पहुंचे। अगर कोई क्वेश्चन, अब क्लास खत्म हो गई है, अगर कोई जाना चाहे तो जा सकते हैं, अगर एक दो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं रुका हूं ताकि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूं। जी